फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, आई एम योगिता. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइट विजिट. आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट अर्काडिया पार्क ईस्ट में, जो कि चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे है. अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ से 10 मिनट्स अवे है, एयरपोर्ट रोड से 5 मिनट्स अवे है एंड मैक्स हॉस्पिटल से ये 7 मिनट्स अवे है. इस प्रोजेक्ट की अगर मैं खासियत की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट एकदम हाईवे को टच करता है, हाईवे प्रॉपर्टी है. एंड इस प्रोजेक्ट में हम आपको 2 BHK एंड 3 BHK प्रोवाइड कर रहे हैं. आज हम इस वीडियो में आपको 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाएंगे, जिसका साइज होगा 1895 स्क्वायर फीट. आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ. गाइस, ये है हमारे सैंपल फ्लैट की एंट्रेंस. इसमें हम आपको सेम 8 फीट डिजाइनिंग वुडन डोर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. कम इनसाइड. सो गाइस, फ्लैट की एंट्रेंस पे हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है. अगर मैं ड्राइंग एरिया की बात करूं तो इसका जो डायमेंशन होंगी वो 13x11 है. एंड आप देख सकते हैं कि हमने जो सोफा सेट यूज किया गया है वो 6 सीटर सोफा है. उसके बाद भी जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मूवेबल स्पेस है. इसी में हमने जो है सेंट्रल टेबल का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं. अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो हम आपको सेम एज इट इज़ वुडन फ्लोर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अगर सीलिंग की बात की जाए तो सेम विद डाउन सीलिंग जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद LED लाइट्स. वॉलपेपर जो आप देख रहे हैं सेम एज इट इज़ जो है वॉलपेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत डिसेंट लुक जो है आपकी एंट्रेंस को दे रहा है. इसी के साथ आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो 17x9 है. आप देख सकते हैं कि जो हमने डाइनिंग यूज़ किया गया है वो 4 सीटर डाइनिंग है. उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है हमारे पास बच रहा है. एंड आप इसी में आप 6 सीटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं इसकी फ्रंट वॉल की बात करूं तो ये बहुत ही डिज़ाइनिंग वॉल जो है हमने लगाई हुई है. अगर मैं इस वॉल की बात करूं तो सेम एज इट इज़ जो है आप भी डेकोरेशन और अपने फ्लैट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वॉल जो है यूज़ कर सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं कि जो सामने का एरिया है हमने कितने प्यारे तरीके से एंड ब्यूटिफुली जो है स्पेस यूटिलाइज करते हुए कवर किया है विद डिफरेंट डेकोरेटिव यूनिक एलिमेंट्स के साथ. एंड जो ये वॉलपेपर है ये भी हम आपको सेम एज इट इज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपकी फ्लैट की जो खूबसूरती और बढ़ा रहा है. और अगर मैं डाउन सीलिंग की बात करूँ तो हमने मिरर वर्क यूज़ करके जो है हम आपको डाउन सीलिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं विद LED लाइट्स. इसी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ हमारी अटैच्ड बालकनी आती है. ये बालकनी जो है अटैच रहेगी हमारी ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ. एंड हम एक विंडो भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए. आइए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, जो कि एडजॉइनिंग रहेगी हमारी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ. सो गाइस, ये है हमारी किचन, जिसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 7x12 इसकी डायमेंशन है. इसका स्पेस जो है हमने यूटिलाइज किया है और आपको कैबिनेट्स दे के आप अच्छे से जो है अपने कैबिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए. एंड जो कैबिनेट्स हैं वो हाइड्रोलिक कैबिनेट्स यूज़ किए गए हैं विद सॉफ्ट क्लोजर. एंड इसी में हम आपको चिमनी एंड RO के प्रोविजन भी दे रहे हैं. ये जो स्पेस है आप रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं. जो फिटिंग्स जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो जैगवार फिटिंग्स हैं. साथ में ही आपको हम विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए. सो गाइस, ये थी हमारी किचन. आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ. सो गाइस, दिस इज अवर फर्स्ट बेडरूम. अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो ये 11x12 का रूम होगा. देख सकते हैं आप कि आफ्टर बेड भी कितना मूवेबल स्पेस जो है हमारे पास है. सीलिंग की बात की जाए तो डाउन सीलिंग जो है आप देख सकते हैं कि रूम को कितना खूबसूरत बना रही है, जो कि LED लाइट्स के साथ है. आप भी सेम अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं.
अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो हमने वर्टिफाइड टाइल्स का यूज़ किया गया है, एंड इसी के साथ जो फ्रंट वॉल है वुडन वर्क के साथ हमने बहुत ही प्यारे तरीके से इसका यूज़ किया गया है। आप भी सेम ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं अपनी वॉल को और डेकोरेटिव बनाने के लिए। एंड इसी के साथ हम आपको वार्डरोब जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डिज़ाइनिंग है, एंड इसके साथ स्लाइडिंग डोर होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसी रूम के साथ हमारी जो है बालकनी जो है अटैच्ड रहेगी। जो ये बालकनी है ये आपकी अटैच्ड करती है ड्राइंग कम डाइनिंग बालकनी के साथ, और साथ में एक विंडो है जो कि सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। एंड आप सामने जो वॉलपेपर देख रहे हैं वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा है आपकी रूम को और ग्रेसफुल बना रहा है। इसी के साथ हमारा अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम का अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो 5x7 का वॉशरूम होगा। जो टाइल्स हमने यूज़ कर रखी हैं वो बहुत ही डिसेंट एंड ग्रेसफुल टाइल्स हैं। एंड अगर मैं सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूँ तो फिटिंग्स जो होगी जैगवार की होंगी। इसी में हम आपको विंडो भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए होंगी। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। गाइस ये है हमारा सेकंड बेडरूम। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो ये 11x14 है इसका जो साइज होगा। आप देख सकते हैं कि आफ्टर बेड भी हमारे पास मूवेबल स्पेस जो है वो काफी बच रहा है। अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हमने डाउन सीलिंग जो है की हुई है विथ LED लाइट्स। आप भी अपने बेडरूम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेम यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग की बात की जाए तो फ्लोरिंग जो होगी, जैसा मैंने आपको पहले बेडरूम 1 में बताया, सेम फ्लोरिंग जो है हम यूज़ कर रहे हैं। अगर वार्डरोब की बात की जाए तो सेम आपको वुडन वार्डरोब जो है प्रोवाइडेड की जाएगी विथ स्लाइडिंग डोर, जो कि बहुत स्पेशियस है। अगर मैं वॉल की बात करूँ तो ये जो वॉल पेपर हमने यूज़ किया गया है वो बहुत ही डिसेंट एंड कलरफुल, बहुत अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो फ़ोटो फ्रेम्स हमने यूज़ किए हुए हैं, आप भी सेम एज इट इज़ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स लगा के या कुछ और फ़ोटो फ्रेम्स जो है यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपका और प्यारा सा सुंदर सा जो है रूम लगे। अगर मैं सामने फ्रंट वॉल की बात करूँ, ये बहुत ही प्यारा सा जो है LED पैनल हमने लगाया हुआ है। आप भी सेम एज इट इज़ जो है या सिमिलर टू दैट यूज़ कर सकते हैं अपने रूम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सो गाइस इसी के साथ हमारा अटैच्ड वॉशरूम है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 5x7 इसका साइज़ होगा। इसमें हमने जो फिटिंग्स यूज़ की हुई हैं वो जैगवार फिटिंग्स यूज़ की गई हैं। एंड अगर आप इसकी वॉल्स देखें तो बहुत ही प्यारी सी एंड डिसेंट वॉल्स जो हैं, टाइल्स जो हमने यूज़ कर रखी हैं वॉल टू वॉल टाइल्स होंगी। एंड साथ में हमारा जो है विंडो होगी फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। इसी को और डेकोरेटिव बनाने के लिए हमने मिरर वर्क का भी एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ है। आप भी सेम एज इट इज़ जो है मिरर वर्क यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ही रूम के साथ अटैच्ड एक प्राइवेट गार्डन होगा, जो जिसका रास्ता हमारे बेडरूम 2 से भी है, बेडरूम 3 से भी है। आइए चलते हैं हम अपने गार्डन की तरफ। सो गाइस ये है हमारा प्राइवेट गार्डन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल रहेगा। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ होगा वो 500 स्क्वायर फीट होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसको आप सिटिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, सुबह सुबह की चाय के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल एयर जो होगी आपको यहाँ से मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि आपको ऐसा प्राइवेट गार्डन और किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो जिनको फ्रेश एयर और ग्रीनरी पसंद है वो इस प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटिंग एंड गार्डनिंग कर रखी है, सेम एज इट इज़ जो है आप अपने गार्डन्स में कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा वॉशिंग एरिया भी आता है। इस एरिया को आप अपना वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइस, ये था हमारा प्राइवेट गार्डन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। सो गाइस, ये हमारा थर्ड बेडरूम। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, तो ये 10x14 इसके डायमेंशंस होगी। एंड जो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पेशियस है। अगर मैं वॉलपेपर की बात करूं, तो ये हमने मैचिंग बेड के साथ या कंट्रास्ट में हमने जो है वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। आप भी सेम ऐसा जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एलईडी पैनल जो है, हमने बहुत ही अट्रैक्टिव एलईडी पैनल यूज़ किया गया है। आप भी एज इट इज़ जो है अपने लिए एलईडी पैनल जो है बनवा सकते हैं। अगर मैं डाउन सीलिंग की बात करूं, तो ये बहुत ही सटल डाउन सीलिंग है। एंड साथ में ही एलईडी लाइट्स हैं। आप भी अपने रूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्लोरिंग है, हमने 45 टाइल्स का यूज़ किया गया है। इसी के साथ हम आपको अटैच्ड वार्डरोब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वुडन वार्डरोब्स होंगी विद स्लाइडिंग डोर। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस हैं एंड वॉल टू वॉल वार्डरोब्स होंगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले सेकेंड बेडरूम में बताया था कि वी हैव प्राइवेट गार्डन ऑल्सो, तो उसकी जो एंट्री होगी वो थर्ड बेडरूम से भी होगी। यहाँ से आपकी भी एंट्री होगी प्राइवेट गार्डन के लिए। एंड साथ में हमने आपको विंडो भी प्रोवाइड कर रखी है फॉर सनलाइट। इसी के साथ अटैच्ड हमारा वॉशरूम है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा थर्ड वॉशरूम है, जिसमें हमने जो सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं वो जैगवार की यूज़ की हुई हैं। जो टाइल वर्क है वो बहुत ही कलरफुल एंड ग्रेसफुल जो है यूज़ किया गया है। साथ में हम आपको एक विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए दी गई है। जो टाइल्स की अगर मैं बात करूं, तो टाइल्स वॉल टू वॉल टाइलिंग होगी आपकी, जिससे आपको सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो इसका साइज रहेगा वो 5x7 है। सो गाइस, ये था हमारा 3BHK फ्लैट। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूं, तो ये जो सोसाइटी है पूरे 5 acres में है, कवर किया हुआ है हमने ये प्रोजेक्ट। इसी के साथ मैं अगर अमेनिटीज़ की बात करूं, तो ये गेटेड सोसाइटी रहेगी। सिक्योरिटी गार्ड 24/7 होंगे। इसी फ्लैट में हम आपको AC की डक्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जो मेजर USP होगी इस फ्लैट और प्रोजेक्ट की, वो ये होगी कि हम आपको प्राइवेट गार्डन भी है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आई बेट कि यहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी के साथ जो होगी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी, वो हाईवे के साथ कनेक्टिविटी होगी, जो कि चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे है। एंड अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ, तो फ्रंट पे ही हमारा कमर्शियल आएगा, साथ में हमारी वहाँ क्रिकेट पिच भी होगी। अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ, तो अमेनिटीज़ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होगी गेटेड सोसाइटी, जिसमें हम आपको एक पावर बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम आपको इंटरनली क्लब हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका साइज़ होगा 5,000 square feet। इंटरनल जो होगी गेम्स होंगी, लाइक बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट एंड इंक्लूडिंग क्रिकेट पिच। एंड अगर इसके साथ मैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो साथ में ही हमारा फुट स्टेप्स पे ST इज़रा इंटरनेशनल स्कूल होगा। साथ में ही विद इन 5 minutes चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड प्राइम लोकेशन आप जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर रेंटल इनकम के लिए भी ये प्रोजेक्ट जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो कि स्टूडेंट प्रेफर करते हैं रेंट के लिए। एंड अगर हाईवे की बात की जाए, तो एकदम हाईवे टच हमारा जो है प्रोजेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको हमारी सोसाइटी प्लस प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं। एंड जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। थैंक यू।